بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तो क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैर वाफ़ेस रखे, आमीन। तो क्लास आज हमने उर्दू ग्रामर करनी है। उर्दू ग्रामर में आज हमने कहानी करनी है प्यासा कौवा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गर्मियों के दिन थे, कौवा गर्मियों के दिन थे और कौवे को प्यास बहुत लगी थी। पानी की तलाश में वो बेचारा इधर उधर उड़ने लगा, लेकिन उसको कहीं पर भी पानी ना मिला। लेकिन पानी ना मिलने की शक्ल में वो बहुत मायूस हो गया। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वह उड़ता गया उड़ता गया और एक बार में उसमें घड़ा नजर आया। जैसे ही उसने वो घड़ा देखा वो बहुत खुश हो गया और जाकर उसने घड़े में पानी देखा। जब उसने घड़े में पानी देखा तो वो बहुत मायूस हो गया, क्योंकि घड़े में पानी बहुत कम था, जिससे की वजह से बहुत कम था बहुत कम होने की वजह से वो बहुत पानी वो नीचे था, वो पानी नहीं पी सकता था, इसलिए वो बहुत मायूस हो गया और साथ ही वो नीचे बैठ गया। फिर उसको एक तदबीर सूझी कि क्यों ना ये मैं कंकरियाँ उठाकर इसमें डाल दूँ। वो एक कंकरियाँ उठाता है, उठा के घड़े में डालता है। जैसे वो कंकरियाँ डालता जाता है और पानी ऊपर आ जाता है और पानी जी भर के पानी पीता है और वो उड़ जाता है। शुरू करते हैं आपके एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा प्यासा था, पानी की तलाश में एक बाग में गया। वहाँ उसने एक घड़ा देखा, घड़े में बहुत थोड़ा पानी था, वो उसे पी नहीं सकता था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कौवा समझदार था, उसने हिम्मत नहीं आ रही ना। उसे एक तदबीर सूझी, उसने घड़े में छोटी छोटी कंकरियाँ डालनी शुरू कर दी। देखते ही देखते पानी ऊपर आ गया और कौवे ने जी भर कर पानी पिया और वो उड़ गया। नतीजे अखलाक, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आज ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।